राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक रविवार को बक्सीपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत और पार्टी द्वारा पिछले दिनों संचालित पोल खोल धावा बोल अभियान की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधाकर पांडे, गोरखपुर के अध्यक्ष रमेश सिंह सैंधवार, देवरिया के अध्यक्ष जगदीश सिंह, कुशीनगर के अध्यक्ष रामभुआल राव, नंदेश्वर तिवारी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। किसानों को वापस किया जाता है, अब बिचौलिए से मनमानी दाम उनको बेचना पड़ता है। ये दशा पूरे सिस्टम की है, पूरे सिस्टम पर हम लोगों को प्रहार करने की जरूरत है, हम लोगों को उस पर आंदोलन करने की जरूरत है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन जो दशा आज देश की और प्रदेश के अपने गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की, नौजवानों की है, इसका समाधान इस मोदी और योगी सरकार ने कुछ किया नहीं है। केवल लंबे लंबे नारे, लंबे लंबे स्लोगन और लोग और बातें कहना और आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसको कार्यान्वित नहीं करने की स्थिति चल रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने वो बोल बोल धावा बोल का कार्यक्रम चलाना शुरू किया है। निश्चित रूप से आने वाले 2019 के चुनाव हम जानते हैं कि अगर इसको और मजबूती प्रदान कर दी गई तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा 2019 के चुनाव का, और हम लोग राष्ट्रीय लोकदल को स्थापित करके और इस बात को साबित कर देंगे कि किसानों की तैसी, मजदूरों की तैसी, नौजवानों की तैसी, केवल राष्ट्रीय लोकदल रखा है। हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आपके उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बनारस पहुँच कर माननीय मुसाफिर जी आपके विभाजन के इस प्रवचन का विकास नहीं होगा। यह जो प्रकाश राजभर जी ने भी अपने बयान में जारी किया है, उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इन बातों के साथ हमारे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे कार्यशाला किया है, लेकिन ये सही बात है कि इसमें हर क्षेत्र में गाँव में देखिए राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय नेतृत्व माननीय चौधरी अजीत सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एक माह का 13 जुलाई से 12 अगस्त तक का एक कार्यक्रम ये जो चलाया जा रहा है वो पोल खोल धावा बोल अभियान, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो कुरीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उन पर हम लोगों का फोकस है। और जिन लोगों ने वादा करके वादा नहीं निभाया है, और जैसे 3 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना, 15 लाख प्रत्येक जन धन योजना में खाता में उनको धन पहुंचाना, जो इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभाजन की भी बात की थी शपथ लेते समय कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है, इसको 4 भागों में हम बांटेंगे, इसका भी वादा इन्होंने नहीं पाया। इस के हम लिए पोल खोल अभियान चला रहे हैं और इसके लिए हम जनसंघर्ष, धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतर करके हम काम कर रहे हैं, ताकि जनता के बीच में हम जा कर के जितनी भी इनकी जन विरोधी योजना है जो जनता के हितार्थ नहीं है उसको हम जा कर के गांव-गांव में जन चेतना का काम करेंगे और विकास के लिए हम प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। जैसे हमारी चीनी मिलें, गोरखपुर और बस्ती मंडल में ही 28 चीनी मिलें हैं, 17 बंद हो गई हैं, इनको चालू कराने की योजना हमें करना है। इन सारी चीज़ों को हम ये पोल खोल धावा बोल अभियान के हम चलाएंगे।